नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महुआरिया गांव में गौ माता पर कुल्हाड़ी से हुए हमले के मामले में आया नया मोड़ सामने। पुरानी रंजिश को लेकर दोषी को बचाने व निर्दोष को झूठा मुकदमे में फंसाने की रची गई साजिश। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के महुआरिया गांव में बीते दिनों हुए रामनाथ यादव पुत्र चतुर्गुण यादव निवासी ग्राम महुआरिया के गाय पर हुए हमले के मामले में अब नया मोड़ आज सामने है। ग्राम महुआरिया के वार्ड सदस्यों के साथ दुद्धी तहसील परिसर में पहुंचे ग्रामीणों ने गौ माता पर हुए हमले के मामले में दोषी को बचाने व निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने की बात बताई है। तहसील परिसर में पहुंचे अमरलाल, सरबजीत, श्यामलाल, विनोद कुमार, वार्ड सदस्य देव नारायण ने बताया कि जब गौ माता पर हमला हुआ था उसी समय लखन नामक महुआरिया गांव निवासी व्यक्ति को घायल गाय के पीछे पीछे दौड़ते हुए देखा तो पूछने पर लखन ने बताया कि मैंने कुल्हाड़ी चलाकर गाय को मार दिया और गाय के शरीर में फंसी हुई मेरी कुल्हाड़ी को निकालने के लिए दौड़ रहा हूँ। वार्ड सदस्य विजय कुमार, वार्ड सदस्य पन्नालाल ने बताया कि दिनेश पुत्र अयोध्या को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए यह साजिश रची गई है। वार्ड सदस्यों ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही की जाए और गौ माता पर हुए हमले पर साजिश रचने वालों पर भी तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग ग्रामीणों ने की है। वहीं दिनेश पुत्र अयोध्या ने बताया कि मैं उस दिन सुबह से ही घर पर नहीं था और जब मैं घर आया उस वक्त गाँव में लगी भीड़ को देख कर उसी ओर बढ़ा। मौके पर डायल 112 पुलिस भी मौजूद थी और जो कुल्हाड़ी गाय के शरीर में थी वो लखन की थी, जिसकी पुष्टि 112 डायल पुलिस के सामने भी की गई थी। पुरानी रंजिश को लेकर मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, सलमान खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देव नारायण। कहाँ घर है? महुआरिया। देव नारायण जी, आप वार्ड सदस्य हैं? किस गांव के और कितने वार्ड के हैं? वार्ड नंबर दो के हैं, महुआरिया गांव के। अच्छा, तो ये जो प्रकट चल रहा है गाय माता पे हमला का, इसमें क्या सत्यता है और क्या झूठ है आप बताएं? हम सर मारते हुए तो नहीं देखा जी, लेकिन गाय में कुल्हाड़ी लगा था जी, इस चीज़ को देखा। गाय कुल्हाड़ी लगा हुआ देखा था। उस समय दिनेश जी क्या वहाँ मौजूद थे घटनास्थल पे? नहीं थे मौजूद। तो क्या जब घटनास्थल पे ये मौजूद नहीं थे तो जाहिर सा बात है कि हमला इन्होंने नहीं किया, तो क्या इन्हें जो फंसा, मतलब इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं सत्य है, ये सच है या झूठ है? झूठा है। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? आप वार्ड 4 के सदस्य हैं महुआरिया के। बीते दिनों महुआरिया में गौ माता पे कुल्हाड़ी से हमला हुआ था, उस विवाद में पशु स्वामी के द्वारा दिनेश जी के ऊपर तहरीर देकर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ये क्या मामला है? आप वार्ड सदस्य हैं संबंधित वार्ड के, क्या कहना है आपका? हमारा कहना यह है कि वहाँ पर भीड़ लगा था, जिस समय तंगा था तो भीड़ लगा था, भीड़ में हम लोग चलते हैं, क्या हुआ जी वहाँ पर गए तो मतलब गाय के ऊपर कुल्हाड़ी लगा हुआ। अच्छा, ये पता नहीं था कि किसने मतलब इसने हमला कर दिया। अच्छा, गाय पे? हाँ, गाय पे लगा था, लेकिन था कि किसने किया जी। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हम लोग पहले इकट्ठे थे, पता लगा रहे थे, तब तक 112 नंबर गए। हाँ, और जिसका गाय था जबरदस्ती कर दिए होंगे। अच्छा, तो जब आपने गाय को देखा था उस समय गाय के पास कौन मौजूद था? सारे लोग थे गाँव के लोग। और जैसा कि अभी दादा बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी लगी हुई थी, गाय के पीछे दौड़ रहा था लखन, आपने भी ये दृश्य देखा है? ना, ऐसा नहीं देखा। क्या नाम है आपका? पन्नालाल मेरा नाम। कहाँ घर है? पुनर्वास महुआरिया। पन्नालाल जी, आप वार्ड सदस्य हैं? कितने वार्ड के हैं? एक। अभी आपके गांव में एक विवाद चल रहा है कि गौ माता पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है, इस प्रकरण के बारे में आप क्या जानते हैं और दिनेश के जी के ऊपर जो तहरीर कराया गया है, मुकदमा दर्ज, क्या वो सच है या झूठ? हम तो सर से ये जानते हैं जी, दिनेश सब आदमी है जी, हम घटना का स्थल कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अपने इतना उम्र हो गया, लगभग 50 से ऊपर हो गया जी, लेकिन ऐसा गलतियाँ इनके से नहीं पाए हैं। जो तहरीर कराया है बिना देखे कराया, उचित कराना चाहिए। अच्छा, जांच कराकर बढ़िया से तब कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप इनके ऊपर जो आरोप है वो कहीं से मतलब इनके अपने उम्र तक, हम 55-56 साल की उम्र हो गया जी, ऐसा लड़के इनको नहीं जाते। आपका क्या नाम है? सरबजीत। दरोगा सरबजीत। सरबजीत,
आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? महुवरिया। महुवरिया, बीते दिनों महुवरिया में एक गौ माता पर वार किया गया था कुल्हाड़ी से, इस मामले में क्या कहना है आपका, क्या मामला है पूरा? हमर कहना ही बना कि गाय आगे आगे जात रहे हो दौड़ल जी, पाछे पाछे हो जाते टांगी कुल्हाड़ी निकाल के चक्कर में। अच्छा, तो गाय तो मारक डर और भागल जात रहे हाँ, तो पाछे पाछे हम देखली बहुत दूर तक गए नहीं सोच रहे ओकरे गाय हो हाँ, तो पाछे पाछे जात रहे। कौन जात रहे? लखन। लखन हाँ, फिर बस इतना हम देखे तो कुछ दूर निकल गया हाँ, जाकर घूम गए आर हो गए हम नहीं देखे। तो पशु स्वामी के द्वारा मतलब दिनेश जी पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है कि गाय को मारा है कुल्हाड़ी से, तो क्या ये सही है? हम देखले ही नहीं, कुत्ता जाने नहीं देखे हैं, नहीं देखे। मतलब उस गाय के पीछे किसी और को दौड़ते हुए देखा था आपने? लखन, लखन को देखे थे। टांगी निकाल के चक्कर में कुदल के टांगी कैसे? अच्छा, आपने टांगी को निकालने के लिए वो दौड़ रहा था? टांगियां निकाले तो कोई नहीं देखी सब। हाँ हाँ हाँ, कुछ दूर कुदल मगर टांगी की टांगी निकल गई नहीं, फिर भाग। लखन जी के पिताजी का क्या नाम है? धमुक साहब। धमुक साहब, आपका क्या नाम है दादा? श्यामला। कहाँ से आए हैं? महुवरिया। हम वही थे, बीते दिनों गाय का विवाद चल रहा है कि गौ माता पे कुल्हाड़ी से हमला हाँ, किया गया है हाँ। इस मामले में क्या कहना है आपका, जो दिनेश जी पे आरोप लगाया जा रहा है, क्या आरोप सही है या झूठ है? नहीं, दिनेश का तो झूठ है। झूठ है हाँ, वो दिन रहबो नहीं किया। अच्छा, ये थे ही नहीं उस दिन हाँ, वो दिन घरे रहबे नहीं। तो क्या मामला है पूरा दादा? वो गाय हम लोग देखे हैं खापत मार नहीं देखे। अच्छा, दौड़ते हुए देखे थे? ओकर पासे पासे गाय उतना वही पोल उतना में जात बना ना हाँ, लखन साहब पीछे पीछे जा रहा। लखन साहब जा रहा था हाँ, उस समय कुल्हाड़ी दादा उसके हाँ, गाय के उसमें था हाँ, गाय हाँ, कुल्हाड़ी लगले रहा, लगी हुई थी हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो इनके दिनेश जी के ऊपर तहरीर दिया गया है तो उसमें कितनी सत्यता है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम जो देखे हैं वो तो नहीं बताएंगे, अब दूसरों नहीं बताएंगे। आपका क्या नाम है दादा? अमरलाल। अमरलाल, कहाँ घर है? महुवरिया। अच्छा, आप लोग एक ही जगह घर के निवासी हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि जो महुवरिया गांव में अभी गौ माता पे हमला हुआ है हाँ, उस मामले में थाने में पशु स्वामी के द्वारा तहरीर देकर जो है कि बताया गया है कि दिनेश नामक महुवरिया गांव के व्यक्ति ने। इस अंक में फिलहाल इतना ही, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए स्टार 7 TV न्यूज को सब्सक्राइब करें।